नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। दिनांक 22 अगस्त। पहला, एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में सौरभ चौधरी गोल्ड जीतने वाले पहले और सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने, जबकि भारत के ही अभिषेक वर्मा ने ब्रॉन्ज जीता। अगला, एशियन गेम्स में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारत की ओर से शूटर संजीव राजपूत ने सिल्वर मेडल जीता। अगला, एशियन गेम्स के 68 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में भारत की ओर से दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज जीता। अगला है, एशियन गेम्स में किक बॉल प्रतियोगिता, जिसको कि कहा जाता है सेपक टकरा, ये नाम जरूर अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें, पूछा जा सकता है। किक बॉल अर्थात सेपक टकरा प्रतियोगिता में भारत की पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक जीता है और ऐसा पहली बार हुआ है। अगला, फेक न्यूज़ फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल से मिले। अगला, बाद में 7 राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं, जो है बिहार में नए राज्यपाल बन गए लालजी टंडन, हरियाणा में सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तराखंड में बेबी रानी मौर्य, त्रिपुरा में कप्तान सिंह सोलंकी, मेघालय में तथागत राय, सिक्किम में गंगा प्रसाद और जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक। ये जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यपाल, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल शासन लगा हुआ है, जब से वहाँ पर सरकार ने इस्तीफा दिया था। तो ये सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल थे, वहाँ से इनको बदलकर अब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल NN बोहरा, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अगला, पोर्टेबल पेट्रोल पंप की तकनीक को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस तकनीक को विकसित करने वाली कंपनी का नाम है एलिंज ग्रुप। ये पोर्टेबल पेट्रोल पंप की कीमत लगभग 90 लाख रुपये होगी और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसे 2 घंटे के भीतर कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है और वहाँ से हटाया भी जा सकता है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य की नई राजधानी नया रायपुर का नाम अटल नगर करने की घोषणा की है। ये उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने की घोषणा की है, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर्स में नोटा का विकल्प जोड़ने से इनकार कर दिया है और इसके लिए चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जोड़ने के लिए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। नोटा का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं का विकल्प होता है, इसको राज्यसभा चुनाव में नहीं चलेगा यह विकल्प, हाँ आम चुनाव में जरूर चलता है। अगला, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में 10 दिन का बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस बौद्ध महोत्सव का नाम पूछा जा सकता है, क्या है? ऐसाला महा पेराहेरा। क्या नाम है? ऐसाला महा पेराहेरा। और कहाँ पर मनाया जाता है? श्रीलंका में मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। और ये किस धर्म का महोत्सव है? तो बौद्ध महोत्सव है, ये भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद।